नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी बाजार से बॉन्ड के जरिए $1 अरब की राशि जुटाई है। SBI की ओर से शनिवार को बताया कि दुनिया भर में उसके बॉन्ड को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया। उसे 122 से अधिक खातों से $3 अरब का ऑर्डर मिला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ही 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे, इस बात की पुष्टि वित्त मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने की है। बता दें कि जेटली द्वारा बजट पेश किए जाने को लेकर कई प्रकार की बातें हो रही थी। कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में हो सकता है कि अंतरिम बजट उनकी जगह कोई और पेश करे। महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट ने कई पदों के लिए भर्तियां निकाली है। यहां ड्राइवर और कंडक्टर पदों के लिए नौकरी निकली है। इस नौकरी के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इन तमाम पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2019 तक है। वाणिज्य एवं उद्योग और नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने शनिवार को कहा कि भारत में अगले 7 से 8 साल में $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रभु ने कहा कि उनके मंत्रालय ने विनिर्माण सेवा और कृषि क्षेत्र पर ध्यान देते हुए इस लक्ष्य को संभव बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। मुकेश अंबानी बहुत जल्द ई कॉमर्स मार्केट में दस्तक देने जा रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2019 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात रिलायंस के लिए जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। बहुत जल्द जियो की मदद से रिलायंस इंडस्ट्रीज ई कॉमर्स में प्रवेश करेगी। रिटेल सेक्टर में रिलायंस रिटेल 2006 से स्थापित है। पूरे देश में इसके करीब 10,000 रिटेल शॉप है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।